नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। हिलेरी क्लिंटन ने जीती पहली दो बाजी। डिस्प्ले नॉच और हार्ट में ट्रंप को दी मात, तो वहीं कई जगहों पर शुरुआती रुझानों में ट्रंप आगे। दाऊद इब्राहिम का करीबी अब्दुल रऊफ को भारत को सौंपेगा बांग्लादेश। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या में था शामिल। हत्या के बाद बांग्लादेश से गिरफ्तार किया गया था रऊफ। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ ने 9 और खूंखार आतंकवादियों की सजाए मौत पर दी मंजूरी। मिलिट्री अदालतों ने अलग अलग मामलों में सुनाई मौत की सजा। विमान पर फायरिंग, 4 पुलिस अधिकारियों के हाथ काट देने जैसे अपराधों के दोषी हैं आतंकी। एनएसजी पर अहम बैठक से पहले चीन की भारत को दो टूक। कहा, भारत की एंट्री को लेकर नहीं बदला हमारा रुख। 11 नवंबर को वियना में होगा एनएसजी के पूर्ण सत्र का आयोजन। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग की और रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव ने की मुलाकात। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और सीमा पर शांतिपूर्ण सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।